इधर देश भर में नागपंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन के नागचंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंदेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खोल दिए गए। सबसे पहले श्री पंचायती महानिवारणी अखाड़े के महंत विनीत गिरिजी महाराज ने त्रिकाल पूजा शुरू की और फिर अन्य श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई। भीड़ को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये भी बताते चले कि नागचंदेश्वर मंदिर साल में केवल नागपंचमी के दिन ही खोला जाता है। नागचंदेश्वर के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बता दें कि महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंदेश्वर का प्राचीन मंदिर है, जहाँ शिव पार्वती अपने पूरे परिवार के साथ शेष नाग के आसन पर विराजमान है। इसके साथ ही इस तरह की यह अनोखी प्रतिमा है। पुरानी परंपरा है कि इस मंदिर के पट साल भर में सिर्फ एक बार यानी कि नाग पंचमी पर 24 घंटे के लिए खुलते हैं। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। नागपंचमी के मौके पर 1800 से अधिक पुलिसकर्मी और 500 से ज़्यादा जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था में तैनात हैं। में सिर्फ 24 घंटे के लिए आज के दिन ही द्वार खुलते हैं, तो आज के दिन जो दर्शन कर लेता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा जो एक्सपीरियंस है ये और किसी मंदिर में आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, निश्चित रूप से भगवान महाकाल के इस पावन प्रांगण में भगवान के मंदिर के तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजमान हैं, और जैसे कि परंपरा है कि वर्ष में सिर्फ 24 घंटे के लिए नागपंचमी के पावन पर्व पर भगवान नागचंद्रेश्वर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं और वो पट खोले जाते हैं, तो इसी परंपरा का अनुपालन करते हुए रात्रि 12 बजे पट खोले गए। आज 9 अगस्त को महाकाल के मंदिर में नागचंद्रेश्वर भगवान की नागपंचमी के दिन एक दिन के लिए जो मंदिर खुलता है उसके दर्शन कराए जा रहे हैं। 24 घंटे के लिए मंदिर खुलेगा, इसमें हमारा एस्टिमेशन है कि 8 से 10 लाख लोग दर्शन करेंगे। इसमें सभी के लिए व्यवस्था की गई है। हमारा प्रयास है कि 1 से 1.25 घंटे से ज़्यादा वेटिंग टाइम किसी के लिए भी ना रहे। सुगम दर्शन डॉट 12 बजे के बाद से चालू करा दिए गए थे। दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। 1800 से ज़्यादा आदमी सभी जगह पर लगे हुए हैं और पूरा जो रूट है वो CCTV के माध्यम से कवर किया गया है।